झारखंड के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। कोरोना महामारी के 70 दिन से अधिक गुजर जाने के बाद भी लगातार डॉक्टर अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति झारखंड जमशेदपुर के तत्वाधान में आज जमशेदपुर के कीताड़ी बस्ती में अति जरूरतमंद 50 परिवारों को 15 दिनों का राशन एवं जरूरत के अन्य सामग्री, तेल, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, सब्जी के साथ साथ अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति आटा दिया गया। संस्था के संरक्षक श्री सुशील चंद्रनाथ जी के कुशल निर्देशानुसार इस कार्य को पूरा करने में संस्था के उपाध्यक्ष श्री गणेश राम, श्री सुरेश प्रसाद देवाशीष दास, स्थानीय सदस्य सलाउद्दीन तनवीर ने राशन वितरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। इस वितरण कार्यक्रम के दौरान संस्था के सिर्फ अधिकारियों के विशेष प्रयास के बल पर कार्य को संपन्न किया गया। इस दौरान स्थानीय समाज सेवी शेख सलाउद्दीन ने डॉक्टर अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति कार्यों की काफी प्रशंसा की। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। नीचे से पकड़िए, इधर आइए। बारह नंबर इस कोरोना संकट के दौरान हर समाज सेवी और हर संस्थाओं द्वारा गरीबों असहायों को चिन्हित कर राहत सामग्री बांटे जा रहे हैं, परंतु कई ऐसे तबके के भी लोग हैं जो लोगों की नजरों से अब भी ओझल हैं। आज उन्हीं तबके के लोगों को चिन्हित करते हुए यानी गरीब टेम्पो चालक के बीच उनके दुख दर्द को समझते हुए जमशेदपुर साक्षी के समाज सेवी एवं जुझारू नेता श्री चंदन यादव एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सपना यादव ने 15-15 दिनों का राशन और जरूरत की अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। अनाज का वितरण किया जा रहा हमने भी वोट दिया था, बहुत सारे लोग आपने वोट दिया था, लेकिन आपको हम विश्वास दिला रहे हैं सिर्फ एक टेम्पो स्टैंड नहीं, हम सारे टेम्पो स्टैंड घूम घूम के जा रहे हैं। आपको भी मालूम होगा कि आपके पास मैं खुद आया था, मैं खुद चल के आया था, क्योंकि इस भावनाओं से मैं अवगत हूँ। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक देखते हैं, जब से लॉकडाउन है उस समय से, चाहे आप पूर्वी लोकसभा में 6 विधानसभा की मैं गली गली घूमा हूँ, मेरी धर्मपत्नी घूमी है, संतोष भाई है वो घूमे है, नगेंद्र भाई है वो घूमे, बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आज सभी का एक ही उद्देश्य है कि कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर एक ही मांग रखते हैं कि आप हमारा इस अपनी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई के लिए मेरा साथ दीजिए और हम आपका साथ जरूर देंगे। करवाई चालक टाटा मोटर्स कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतरे और मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद एवं फिरोज खान के नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से मिले एवं एक मांग पत्र सौंप कर मासिक वेतन भुगतान नहीं करने की शिकायत की। इस दौरान करवाई चालकों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं दिए जाने से चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति बनती जा रही है। चालक अपनी बात को रखने के लिए लगातार समाज के सामने हाथ पसा रहा है, अपनी बातों को रखा है, रोड में उतरा है। आज मीडिया घराना हमारे बातों की गहराई को समझा है, हमें न्याय मिले थे उन्होंने। आज किससे मिलने चले आए हैं? हम लोग 1 तारीख को माननीय टाटा मोटर के प्लांट हेड से मिलने का प्रयास किया, जहां मिलने नहीं दिया गया, जहां पर हम लोग का पत्र जो था उनको पास जाना था, लिया नहीं गया। माननीय डीसी महोदय के आदेश पर एसडीओ द्वारा हमारे पद को लिया गया, वह गया कि नहीं गया, लेकिन हम लोग आज आए हैं डीसी महोदय के पास कि क्या इस लॉकडाउन में 2 महीने का पेमेंट की मांग करना कार्रवाई चालक गलत मुद्दा उठाया है। अगर हम लोग सही हैं तो हम लोग का न्याय किया जाए और हम लोग को ये पैसा का भुगतान कराया जाए। कितने चालक है खुद? चालक हम लोग 975 कानवाई चालक है, 500 ग्रुप इंचार्ज है। मात्र
1200 से 1300 मजदूरों को पेमेंट रोक कर टाटा मोटर पूर्ण रूप से जो है ना या तो गुंडागर्दी कर रहे या फिर टाटा घराने ज्ञान सागर प्रसाद। सबुज बंगला सोसाइटी द्वारा आज जमशेदपुर के करण जी दुर्गा पूजा पंडप के समीप झारखंड बस्ती के समस्त लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। सबुज बंगला संस्था के इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद माननीय श्री विद्युत वरण महतो उपस्थित थे तथा उन्होंने सबुज बंगला सोसाइटी के सदस्य द्वारा लॉकडाउन में किए जा रहे सेवाओं की सराहना की। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आज सबुज बंगला सोसाइटी द्वारा करंडी स्थित झारखंड बस्ती में खिचड़ी का वितरण किया गया जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी मौजूद थे। इसके अलावा सबुज बंगला सोसाइटी के सारे सदस्य मौजूद थे। हमारा ये प्रयास 58 दिन से चलते आ रहा है, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। इचागंज का कुगड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी कोली टोला में एक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर ठनका गिरने से विगत करीब 5 दिनों से खराब, इसके कारण तिरुलडी कोयरी टोला और मुस्लिम टोला के करीब 100 परिवार बिजली से वंचित है। वहीं ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण दोनों बस्ती के लोगों को भीषण गर्मी में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी असलम अंसारी ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना दिए जाने के बाद आज बुधवार को बिजली विभाग के किसी ट्रांसफार्मर को बनाने आए थे लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बन पाया। ट्रांसफार्मर के अंदर में पूरा सामान जल गया है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग और स्थानीय विधायक से जल्द खराब ट्रांसफार्मर को बदल कर नया ट्रांसफार्मर लगाने जाए की मांग की है। इचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। ये हम लोग का जो कोरी टोला व मुस्लिम टोला दोनों मिला के 100 घर लगभग है। अभी ठनका गिरने से 5 दिन से हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 5 दिन से हम लोग का बिजली है नहीं। हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि मैंने ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी हम लोग को मुहैया किया जाए। बुलाए थे सरकारी मिस्त्री, वो लोग खोल खाल के देखा तो बोला कि इसका जो अंदर का सामान जो है बिजली मार दिया है, तो बोला कि नया इसको बदली करके नया कर। प्रखंड के खूटी चांदनी चौक से मुसिर बेरा होते हुए हैंसा कोच जाने वाली मुख्य सड़क के बीच खूटी के समीप कच्चा सड़क के गड्ढा पर युवाओं ने श्रम दान कर मिट्टी से गड्ढा खोदा। रोज रोज हो रही बारिश के चलते मुसिर बेरा खूटी के सीमावर्ती क्षेत्र के कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जिसने आवाजाही में काफी परेशानियां हो रही थी। विमल महतो ने बताया कि जानकारी के अनुसार 2012-13 में आईपीए योजना के तहत खूटी चांदनी चौक से मुसरी बेड़ा होते हुए हैंसा कोच काली पाथर तक सड़क बनी थी जिसमें खूटी के कालंदी बस्ती के समीप उक्त जगह पर सड़क बनने से विरोध किया गया था जिसमें अब तक उक्त जगह पर सड़क निर्माण नहीं हुआ। इस कारण आज तक लोगों को आवाजाही में तकलीफें उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रशासन से मांग भी की थी एवं चांडिल एसडीओ को सड़क निर्माण कार्य कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपे थे लेकिन अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण मुसरी बेड़ा केदारडी प्लास्टाई एवं हिंसा कोजा पंचायत के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि उक्त जगह पर तत्कालीन विधायक सुधीर महतो के कार्यकाल में ग्रेड 1 के तहत सड़क का निर्माण हुआ था। इस मौके पर निर्मल महतो, शिशुपाल गोप, कालीचरण कुमार, संतोष कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। थाना क्षेत्र के हिंसा में बीती रात से लगभग 12 गाड़ियां स्पॉन्ज आयरन एवं पत्थर से लोड भारी वाहनों को चेक पोस्ट में रोक दिया गया है जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बताया जा रहा है कि सरायकेला सदासनगर होते हुए हाथा के लगातार कुछ दिनों से स्पॉन्ज आयरन पत्थर लोड गाड़ियां पार हो रही थी, वही आज आधी रात से सभी गाड़ियों को चेक नाका पर रोक लिया गया है। इस रास्ते भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है, बावजूद इससे गाड़ियां रात को पार होती है। अभी माइनिंग ऑफिसर कोल्हान आरटीओ पहुंचे हैं, राजनगर अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास आदि सभी इसकी जांच में जुटे हैं। सरायकेला और राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। ये हेसल के पास में ये पुलिस ये बैरल लगी हुई है। ये पहले आदेश निकला था संभवतः ये अक्टूबर नवंबर में 2019 को, वो आदेश की कॉपी तो नहीं है। तो ये सरायकेला से राजनगर पाली रोड में नहीं आना है, हेवी वर्कर, तो उसी के दरमियान में इसको रोका गया था। और ये सब चलान वलान तो सब ओके है, सिर्फ ये रूट चेंज किया है उसके लिए फाइन तो ये गाड़ी घुस कैसे गई वहाँ से सरायकेला? उधर भी पूरा ये गश्ती पार्टी पूरा टाइट था,
संभवतः गश्ती पार्टी ये घुस गई है, इसके बाद भी ये लोग चोरी छुपे घुस गया होगा। पार्टी अगर टाइट थी तो फिर नहीं, वो उसका टाइम जो समाप्त हो गया था वो उसके बाद में ये घुसा है। अभी इसमें कोई कार्रवाई वगैरह? हाँ, इसमें पूरे दोनों थाना को बोल दिए हैं, सरायकेला थाना को भी और ये राजनगर को भी, कोई भी हेवी व्हीकल इसमें नहीं आएगी। प्राइवेट स्कूलों में मासिक शुल्क माफ करने के मुद्दे को लेकर आज जिला परिषद पूर्णिमा कर्मकार ने घारसिला अनुमंडल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि इस लॉकडाउन के दरमियान हर वर्ग के लोगों की कमर टूट चुकी है, जिस कारण प्राइवेट स्कूलों में मासिक शुल्क देने में असमर्थ है, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन की मनमानी हो रही है। मासिक शुल्क भुगतान करने के लिए अभिभावकों को लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। मौके पर पूर्व जिला परिषद राजू कर्मकार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सरकार जो जैसे आप जानते हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि बच्चों का फीस माफ़ किया जाए 2 महीना का, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा घासला बोले या मुसामनी बोले या पूरा अनुमंडल में बोले या तो सब कंपनियां बंद है। जब कंपनी बंद है, जब आदमी बेरोजगार है तो बच्चे का फीस वो कहाँ से भरेंगे? जब अपना वो खाने पीने में जब उन लोगों को तकलीफ हो रही है तो जैसे स्कूल तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि आप फीस भरिए, तो जो आदमी के पास अभी दिनचर्या चलाना मुश्किल हो रहा है वो 15,000-16,000 कहाँ से फीस भरेंगे? इसीलिए आज हम लोग का यही कहना है जो साहब से कि जैसे 2 महीना का फीस माफ़ कराया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को लेकर वो आगे जाएंगे, बस उन्हीं का आश्वासन से आज हम लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपे हैं। आज इसी लॉकडाउन में जितने भी निजी स्कूल हैं और सारे निजी स्कूलों ने सभी अभिभावक को मैसेज के द्वारा भेज दिया कि आप फीस जल्द से जल्द जमा करें, और इस लॉकडाउन में जो परिस्थिति है लोगों का कि कोई भी अभिभावक अभी फीस जमा करने का स्थिति में नहीं है। आज जो आपका SMS के नाम से फीस लिया जा रहा है, बिल्डिंग के नाम से फीस लिया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से जो फीस लिया जा रहा है, कोई भी अभिभावक का देने लायक लोग नहीं है। जिसका एक बच्चा, जिसका 2 बच्चा पढ़ रहा है, किसी का 15,000, किसी का 16,000 का आपको वो जमा करने के लिए मैसेज भेज दिया गया। हम लोगों का आज AGO साहब से मिलकर डिमांड यही किए हैं, जहाँ राज्य सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री घोषणा कर रही है कि भाई इस लॉकडाउन में किसी का भी बच्चे का फीस नहीं लिया जाएगा, वहीं कोई भी निजी स्कूल आज इस बात को मान नहीं रहा है और फीस लेने के लिए सबको मैसेज कर दिया गया। एक अभिभावक लोगों को भी भयभीत है कि इस लॉकडाउन में जिसका रोजगार छीन गया है, जो काम से बैठे गए हैं, उसी लोगों का बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि फीस जमा नहीं करेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं होगा। ऐसे में लोगों को पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, इसीलिए हम लोग डिमांड किए हैं कि भाई कम से कम इस 3 महीना का जो फीस है, फीस को माफ़ कर दिया जाए, ताकि बच्चा सुचारू रूप से जो फीस का मिनिमम मंथ है उसको जमा करे, ताकि बच्चा का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा। तो क्या आश्वासन मिला है AGO साहब? AGO साहब बोले कि इस विषय पर हम आगे इस पेपर को अग्रसित करेंगे, जिस हिसाब से बात करेंगे, और इसको हम लोग PMO में भेजे, शिक्षा मंत्री को भेजे, मुख्यमंत्री को भेजे, सबको हम ट्वीट कर रहे हैं, ताकि इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय हो। जब राज्य सरकार इस विषय में पहले भी बात कर चुकी है तो उसमें अमल होना चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए, और सारे भी निजी स्कूल डीसी के माध्यम से एक बैठक होना चाहिए सभी प्रिंसिपल को लेके, ताकि इस पर कोई भी निर्णय जल्द से जल्द आना चाहिए, ताकि बच्चे का जो भी भविष्य है वो भविष्य बिखरे नहीं, संवरे। और जितने भी अभिभावक है आज जो लोगों को मेंटलिटी जो डिस्टर्ब हो रहे, परेशान हो रहे, उनसे भी उनको निजात मिल पाए। विगत 2-4 दिन से निजी विद्यालय के द्वारा SMS के माध्यम से अभिभावकों को मैसेज दिया जा रहा है, इस लॉकडाउन में भी एडमिशन के नाम से, ईयरली फी के नाम से, ट्यूशन फी के नाम से, SMS के नाम से एक बृहद पैमाने पर रुपयों का एक संदेश दिया गया, जबकि हम लोग मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम लोग सरकार का एक बयान आया था कि इस लॉकडाउन के माध्यम से या लॉकडाउन की अवधि में जितनी भी निजी विद्यालय है उसका जो है मंथली फी नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके घोषणा के बावजूद आज निजी विद्यालय जो SMS के द्वारा मैसेज ऊपर मैसेज भेजा जा रहा है, तो यहाँ के अभिभावक, यहाँ के जनता एक दुविधा में है, एक परेशानी में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक पसोपेस में है कि हम सरकार की घोषणाओं को माने या इनकी SMS को माने। तो आज हम लोग ने एक हमारे घाटशिला जिला पार्षद पूर्णिमा मैडम, राजू जी के माध्यम से, SDO साहब से, एक मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा कि इसको आप स्पष्ट कीजिए, आप अगर घोषणा किए हैं तो इसका अधिसूचना जारी कीजिए, क्योंकि यही बहाना बना रहा है निजी स्कूल वाले लोग, अभी तक हमको एक पत्र या अधिसूचना नहीं जारी हुआ, जिसके चलते हम लोगों का जो नियम है उस नियम के तहत हम लोगों ने अभिभावक के समझ मैसेज भेज रहे हैं।
तब मुख्यमंत्री के नाम आज एक आवेदन दिया है और हम अभी ट्वीट के माध्यम से भी मुख्यमंत्री और स्थानीय उपायुक्त जो है यहाँ पूर्वी सिंहभूम को उसको भी इस पत्र का टेक करेंगे ताकि उनका भी संज्ञान में देंगे, इस तरह का दुविधा को दूर किया जाए और जल्द से जल्द वर्तमान लॉकडाउन में जो गरीब से लेकर गरीब तक मध्यम वर्ग उच्च वर्ग तक लोग इस लॉकडाउन में पूरी तरह से कमर टूट चुका है, तो हम लोगों की मांग है कि कम से कम 2 महीना का फीस को माफ़ किया जाए ताकि जो भी अभिभावक है जिस उद्देश्य के साथ अपने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में दिया जा रहा है उसको पूर्ण हो सके, ये मांग आज हम लोग रखे हैं, ट्वीट के माध्यम से भी सीएम को देंगे। जो ईयरली फीस जो लिया जा रहा है उस मुद्दे पर कुछ बात हुई है? देखिए ईयरली फी उस मामले में ईयरली फी के नाम से हर बार ही लोग लेते हैं, अब एडमिशन नाम से सरकार ने अधिसूचना जारी की, एडमिशन द्वारा आप नहीं ले सकते, इन लोग घुमा फिरा कर ईयरली फी के नाम से कर रहे हैं, तो ईयरली फी के नाम से इस मामले में भी सरकार किस तरह से कदम उठा रहे हम लोग उस पर संज्ञान में दिए हैं और उसको भी पुनर्विचार करने का हम लोगों ने मांग किया है। अब जैसे एक बात जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री का एक बयान भी आया था जिसमें कहा कि मैं लाचार हूँ, निजी विद्यालय मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्या कहना है इसमें? जैसे अपने आप में अगर लाचार मान रहा है तो उसको मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, वो दुनिया जान रही है, सब जान रहे हैं कि सक्षम कौन है लाचार कौन है, अपने आप में प्रूव करो उसमें ज़्यादा उचित हमको नहीं लगता कि हमारे कहने से कुछ आगे बढ़ सकते हैं।